अगर दोस्तों आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों को एक साथ नहीं बजा पाते हो तो ये एक्सरसाइज आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको लेफ्ट हैंड में कुछ कॉर्ड्स के बारे में बेसिक पता है, राइट हैंड में आप मेलोडी बजा लेते हैं, लेकिन दोनों को जब साथ में बजाते हैं तब आपकी स्पीड स्लो हो जाती है या फिर आपकी आँखें इधर उधर लेफ्ट राइट घूमने लग जाती है, तो मे बी ये एक्सरसाइज आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं। तो राइट हैंड की मेलोडी और लेफ्ट हैंड में जो कॉर्ड्स, आरपीजियो, कुछ भी सिंक करने के लिए एकदम परफेक्ट एक्सरसाइज है, जिसका जो पहला स्टेप है वो ये है कि आप कोई भी अपना पर्टिकुलर स्केल डिसाइड कर लें। एग्जांपल सी शार्प, आप कोई भी स्केल डिसाइड कर सकते हैं, सी शार्प, जी, ई, सी शार्प माइनर, मेजर, कुछ भी। तो कोई भी सबसे पहले अपना एक स्केल डिसाइड करें जिसके ऊपर आपको वर्कआउट करना है, जिसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है अपने फिंगर्स की। राइट हैंड में तो ये हो गया। लेफ्ट हैंड में जो आपने स्केल डिसाइड किया है उसी स्केल का जो फैमिली कॉर्ड्स लग रहे हैं उस पर्टिकुलर स्केल में, उन 7 कॉर्ड्स को आपको याद रखना है। और आपको बेसिकली आपने अगर पहले प्रैक्टिस किया तो आपको याद होगा। तो एक बार शुरुआत में इन शॉर्ट वो बता देता हूँ कि फैमिली कॉर्ड्स क्या है और फिर बताते हैं कि दोनों हाथ को सिंक कैसे करना है। इंटरेस्टिंग। यहाँ पे सबसे पहले आपको, जैसे समझ लीजिए मैं कोई एक स्केल डिसाइड करता हूँ, सी शार्प मेजर, तो राइट हैंड में आपको इसके सारे गामा बजाने आना चाहिए। और फिर लेफ्ट साइड में चलें तो सी शार्प मेजर में कितने कीस आती है, टोटल 7, है ना, सारे गामा पा धनी और फिर 8वां रिपीट सेम सा। तो इसी तरीके से लेफ्ट साइड में भी जो ये 7 नोट हैं, ये 8वां और ये टोटल 7 नोट हैं, इन 7ों नोट में से कोई एक कॉर्ड प्ले होगा जिसे हम फैमिली कॉर्ड्स कहते हैं, जो सी शार्प की फैमिली में आएगा, ठीक है। तो टोटल 7 कोड आपको वो याद रखना है और वो इजी है, क्योंकि जैसे समझ लीजिए पहला कोड है वो सी शार्प से शुरू होगा, दूसरा कोई भी मेजर या माइनर कोड वो डी शार्प से शुरू होगा, फिर तीसरा एफ से, चौथा एफ शार्प से, पांचवा। तो इस तरीके से हर नोट में से एक एक कोई कॉर्ड प्ले होता है जिसे हम फैमिली कॉर्ड्स कहते हैं। तो इस फैमिली में टोटल 7 कोड आते हैं। अभी जैसे एग्जाम्पल पहला कोड देखें तो सी शार्प मेजर, इसकी तीनों की सी शार्प की कीस ही हैं। अगला कोड देखें तो डी शार्प माइनर, इसकी तीनों की भी सी शार्प की ही है। अगर इसकी जगह अगर मैं डी शार्प मेजर लेता तो मे बी एक एक्स्ट्रा नोट लगता है जो सी शार्प में नहीं है, बात समझिए। तो इसकी जो सेकंड की है डी शार्प नोट, उसमें से कॉर्ड निकलने वाला डी शार्प माइनर है, अगला एफ माइनर, फिर एफ शार्प माइनर, फिर जी शार्प मेजर, फिर ए शार्प माइनर और फिर सी डिमिनिश्ड, ठीक है। तो यस, इस तरीके से 3 मेजर, 3 माइनर और एक डिमिनिश्ड कॉर्ड। तो मेजर माइनर इसमें मेन इंपॉर्टेंट है जो आप अक्सर गानों में बजाते हो, डिमिनिश्ड आप यूज़ कर सकते हो या मेजर माइनर भी चल जाता है। शुरू करते हैं अभी। ये 6 के साथ जितने भी 7 कॉर्ड हैं आप इन्हें प्रैक्टिस करें लेफ्ट हैंड में, सबसे पहले सेपरेटली। फिर इसका अरो, कमाल। एक बार एक एक नोट के मैं नाम बता देता हूँ, अगर आप सेम चीज़, अगर आपको फैमिली कॉर्ड्स के बारे में नहीं पता और वो सेम चीज़ आप देख देख के बजाना चाहते हैं, है ना। सबसे पहले सी शार्प मेजर, सी शार्प, एफ, जी शार्प, फिर डी शार्प माइनर, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प, ठीक है, फिर एफ माइनर, एफ जी शार्प और अपना सी, फिर एफ शार्प मेजर जिसमें एफ शार्प, ए शार्प और सी शार्प, फिर जी शार्प मेजर, जी शार्प, सी और डी शार्प, फिर ए शार्प माइनर, ए शार्प, सी शार्प, एफ और फिर बाद में लास्ट में सी डिमिनिश्ड, जिसमें बीच में दो दो नोट का गैप है, सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, सी, डी शार्प और एफ शार्प और फिर अगेन सी शार्प, है ना। मेजर माइनर क्या होता है आप यूट्यूब पर सर्च करें कॉर्ड्स द कमलेश, आपको मेरा वीडियो आ जाएगा जिसमें मैंने मेजर माइनर एक्सप्लेन समझाया हुआ, एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो कॉर्ड्स का फंडा क्लियर, लेफ्ट हैंड आपका क्लियर, डन, चलिए बहुत बढ़िया। अभी राइट हैंड में आपको लेफ्ट हैंड के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करना है वो समझते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले जैसे ही आप सी शार्प मेजर कॉर्ड प्ले करते हैं उसी समय राइट हैंड में सी शार्प प्ले करिए, जैसे ही आप डी शार्प माइनर कॉर्ड प्ले करते हैं उसी समय राइट हैंड में डी शार्प नोट को प्ले करिए, उसी क्रम में एफ माइनर में एफ, एफ शार्प मेजर में एफ शार्प, जी शार्प मेजर में जी शार्प, ए शार्प माइनर में ए शार्प। इंटरेस्टिंग, देखते हैं।
कितना कमाल, फिर सेम आते समय रिपीट। ठीक है, तो इसमें जितनी स्पीड आएगी उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। तो सबसे पहले सेपरेटली कोर्ड्स को तैयार करें, फिर सेपरेटली राइट हैंड की मेलोडी को तैयार करें, फिर धीरे धीरे इस चीज़ को स्लो में कर दें। अगर आपसे एक बार नहीं बन पा रहा है तो स्पीड को एकदम स्लो में कर दें, समझ समझ के, फिर नेक्स्ट, है ना। और जैसे ही ये वाला एक्सरसाइज को आप पॉज करें, डन करें, तो उसके बाद में लेफ्ट हैंड में वेरिएशन ला सकते हैं आरपीजियो के साथ, मतलब सी शार्प को तोड़ तोड़ के बजाना है। जैसे ये सी शार्प मेजर कॉर्ड है, इसको टुकड़ों में, ये भी काफ़ी कूल लगता है। ऐसे कुछ एक्सरसाइज है जो आपको हेल्प करती है आपके मेलोडी को और परफेक्ट बनाने में, है ना। तो इस तरीके से आप इनका आरोह करें, अवरोह करें, और ये वाली एक्सरसाइज हो जाए तो दूसरी भी ऐसा ट्राई कर सकते हैं जिसमें एक नोट को इधर दो बार बजाना है। तो इसमें होता क्या है सर जी, कि ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों एक साथ एक जोड़ी में जब कनेक्ट होते हैं इनडायरेक्टली, तो उनका जो साउंड आता है वो आपको सही गलत की पहचान कराता है और दोनों एक साथ में चल पाते हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों हैंड, है ना। तो ये एकदम इजी एक्सरसाइज है, मतलब शुरुआत हम इससे कर सकते हैं और फिर इसकी जो एडवांस लेवल है फिर धीरे धीरे इनमें एक्सरसाइज हम इम्प्रूव कर सकते हैं, हार्ड बना सकते हैं, और इन फ्यूचर फिर बाद में इसमें गाने ट्राई कर सकते हैं, है ना। है ना, तो बहुत सारी एक्सरसाइज, आप दोनों फैमिली कॉर्ड्स के साथ चलें, कोई भी स्केल हो सकता है, सी में फिर सी शार्प का हो जाएगा, है ना, और फिर डी में डी स्केल का हो जाएगा फैमिली कॉर्ड्स। फिर इसी तरीके से आप सबसे पहले फैमिली कॉर्ड्स के फंडे को समझिए और फिर बाद में लेफ्ट एंड राइट एंड दोनों को सिंक करके बजाना सीखिए। डिटेल में अगर आपको कंप्लीट पियानो सीखना है तो आप मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, द कमलेश मैजिकल कीस ऑफ पियानो, जिसे आप प्ले स्टोर पर ढूंढ सकते हो, इंस्टॉल करके नॉर्मली मोबाइल नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद में ऐसा आपको इंटरफेस दिख जाएगा। सिर्फ 499 का कोर्स है जो आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है, जिसमें रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं और लाइफ टाइम सपोर्ट है, जिसमें देखिए हर हर एक एक टॉपिक के अलग अलग लेसन्स हैं, और इसमें और भी मैं अगर डालता रहता हूँ डे बाय डे, जिससे अगर मैं कोई भी लेसन ओपन करूँ तो जिसमें एक सही स्ट्रक्चर में सारी चीज़ें समझाई हुई है। तो आप जाएं अगर फ्री हैं, अगर आप पियानो सीखना चाहते हैं शुरू से लेकर एडवांस लेवल तक। थैंक यू वेरी मच, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसे प्रैक्टिस करें, और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए लग जाइए अभी प्रैक्टिस के ऊपर, बाय बाय।